أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين मखारिज़ हरूफ हम लोग मखारिज कर रहे हैं और मखारिज में हमने आ, ये सीखा है कि बुनियादी तौर पर पांच मखारिज होते हैं इन पांच मखारिज में मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं जो पांच मखारिज हैं वो अलजौफ़ अलहल्क, अलिसान अशफ़ात और अल्शुम है अजौफ़ हमने कर लिया था इसमें से आ, जो है वो तीन हरूफ़ अदा होते हैं और इसका एक मखरज है एक ही मखरज से तीन हरूफ हरूफाल्मिया अदा होते हैं और उसके बाद अल्क़ अहल्क़ में हमने अल्क़ को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था अक्स अहल्क़ वसअल अलह़ और अदन अलहल ये तीन मखारज हैं इनमें से हर मखरज में से दो दो हरूफ अदा होते हैं हमजहाइन और ओन खा उसके बाद हमने अलिसान शुरू की हुई है और अलिसान को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है इन चार हिस्सों में डिवाइड करने से हमें अलीसान के हरूफ की पहचान करना ज़्यादा आसान हो जाएगी कि कौन सा हर्फ किस जगह से अदा होगा ये बात आप नोट कर लें कि ये जो हमने ज़ुबान को चार हिस्सों में डिवाइड किया है ये इसके चार मखारिज नहीं है सिर्फ जुबान को चार हिस्सों में डिवाइड किया है जिसमें अक्सल लिसान वसत लिसान, तौरफ लिसान और हाफतल लिसान है हाफा कहते हैं जुबान की साइड्स के किनारों को यहां से लेके यहाँ तक जो वसत लिसान है सॉरी जो अक्सल लिसान है उसमें से दो हरूफ अदा होते हैं कौफ और कैफ ये देखते चले कि कौफ का मखरज अलहदा है कैफ का मखरज अलहदा है क्योंकि कौफ अ थोड़ा पिछले हिस्से से अदा होता है और काफ उसके नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा मुंह की जानब आगे वाली जुबान की जानब और जो काफ है वो थ्रोट के ज्यादा करीब है उसके बाद फिर लिसान से जो तीन हरूफ अदा होते हैं जीम शीन और या ये हमने कर लिए थे बौद्ध को हमने देखा कि किस तरह से वो साइड ऑफ द टंग से जो जुबान का पिछला हिस्सा है जो साइड्स हैं जुबान की वहां से अदा होता है जबकि इसको अदा करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आपको ये जुबान की तमाम साइड्स अपने ऊपर के तमाम गम्स के साथ लगानी है और उसके बाद आपने प्रेशर बिल्ट अप करना है जुबान के दरमिया हिस्से में जैसे प्रेशर बिल्ट अप होगा तो इन हिस्सों पे जोर पड़ेगा और उसी से बहुत अदा होगा और आज हम जो उनसे मखरज करने जा रहे हैं वो है लाम तो लाम के लिए मैं आपको बताती चलूँ लाम भी लाम का जो मखरज है वो कुछ तो अम्म हफत लिसान से होगा अदनल अल हाफा क्योंकि ये जुबान का करीबी हिस्सा है ये जुबान आ, फ्रंट से जो साइड है ना जुबान की यहाँ से लेके यहाँ तक अः हाफा का पिछला हिस्सा था अब यहाँ से लेके यहाँ तक अदनल अल हाफा जुबान की साइड का अगला हिस्सा है अच्छा तो यहाँ से ये सारा हिस्सा इन्वॉल्व है ये भी अदन हाफा है और ये वाला भी अदन हाफा है इसके बाद तो जुबान की नोक आ जाती है तो लाम यहाँ से अदा होता है ये वाला हिस्सा अगर आप इसको उठाएं यहाँ पर रखें तो अब आप दांतों को देख लें लाम को अदा करने के लिए अदनल हाफा और प्लस उसका फ्रंट वाला हिस्सा जिसको हम तर्फ अलीसान भी कह सकते हैं या मुंतहल हा हाफा मुंतहल हाफा कहते हैं जो उसकी इंतहा हो जहाँ पे वो एंड हो रहा है जुबान की जो नोक है जहाँ पर हाफा एंड हो रहा है तो ये सारा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे उठा के रख लें अच्छा ये वाला जो दांत है ये है दोहिक का का ठीक है यहाँ से एक दोक से दूसरे दोहक तक लाम अदा होता है ये जितना हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होगा वो लाम का मखरज कहलाएगा इसको समझने के लिए आपको हमने लास्ट टाइम भी ये दांत डिस्कस किए थे इनके नाम अगर आप याद कर लें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा बाहिक ये ब्लू ये जो लाइट ब्लू वाला है ना ये वाला दांत है इस तरफ से लेके इस तरफ तक जो नाम इस तरफ वाले दांत दांतों के हैं वही नाम इस तरफ वाले दांतों के हैं ये दो दो दांत हैं एक जैसे ठीक है तो आप देखेंगे इसमें ये गम ब्रिज भी इन्वॉल्व होती है एल जब आप एल करें एल तो जुबान का जोन सा हिस्सा इन जोन से मसूरों के साथ लग रहा है वही हमारा मखरज है लाम का एल 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 इसमें गम्स भी आ जाते हैं और इसमें गम रिच का फ्रंट पार्ट भी आ जाता है ठीक है एल अच्छा जी लाम के लिए हमने ये देखा कि जब हम लाम अदा करते हैं चूंकि जुबान फ्रंट पे साथ ऊपर जुड़ी हुई है तो सामने से आवाज़ एग्जिट नहीं होगी क्योंकि आपने इसको ब्लॉक कर दिया उसका मखरज ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सामने से सीधी सीधी आवाज़ बाहर को नहीं आएगी तो जब जो उसका नॉर्मल पैसेज है आवाज़ को बाहर लेके आने का जब वो ब्लॉक है तो अब क्या है कि ज़ुबान की जो अतराफ हैं साइड्स हैं ये ये वाली तो ये खाली रहती हैं तो जुबान क्या करती है यहाँ से आवाज सीधा सीधा जब उसको जगह नहीं मिल रही बाहर आने के लिए तो वो फिर डिविएट करती है इनहराफ कहते हैं इसको अब आवाज को बाहर निकलने का रास्ता ये साइड्स दे रही है ये साइड जुबान की जो साइड है यहां से इसी को कहते हैं इनहराफ तो ये लाम की सिफ है कि आवाज इसकी साइड से निकलती है जब आप कहते हैं एल 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 किसी भी हर्फ़ की सिफ़त को देखने के लिए उसके ऊपर आप सुकून लगाएँ और उसके बाद उसको आद... कहने की कोशिश करें तो उसकी सिफ़ात ज़्यादा नुमायाँ होती हैं वैसे तमाम सिफ़ात तमाम हरूफ़ की हर वक्त उसमें होती हैं हर वक्त उसमें पाई जाती हैं और वो अदा होती हैं सिर्फ सुकून उसको मज़ीद क्लियर करता है सिवाय कलकला के क्योंकि कलकला वैसे तो आदा नहीं होता जब तक वो कलकला के हरूफ के ऊपर सुकून ना आए कलकला आप कर नहीं सकते लेकिन इसके अलावा जितने भी हरूफ हैं उनकी तमाम सिफात हर वक्त पाई जाती हैं हरक़ के साथ भी और सुकून के साथ भी सिर्फ सुकून जब आप लगाएंगे उस हर्फ को साकिन करेंगे तो उसकी सिफ नुमाया होगी जैसे एल 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 अब आप खुद भी देख सकते हैं कि जुबान की साइड से आवाज़ आ रही है और इसी को हम कहते हैं इनहराफ करना लाम जो है वो लाइट लेटर है और इसमें जुबान फ्लैट रहनी चाहिए क्योंकि ये लाइट है और अगर इसको अदा करने के लिए जब आप, आपने ये देखना है कि अगर इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर दमा आ गया जैसे वर्ड है सुल पौन सुल पौन, तो सू के लिए आपने अपने होंठों को गोल किया और ऑटोमेटिकली जुबान पीछे से भी उठ जाती है क्योंकि दमा के दमा का जो मखरज है वो वही है जो वाओ का मखरज है ठीक है आपको याद होना चाहिए कि जो फतह कसर दमा तीनों हरक़त हैं वो तीनों जो जो हरूफुलमदा है ना अलिफ और या उन्हीं की ही उनको हम कहते हैं कि ये तीनों हरूफुलमदा मदर्स हैं इन तीनों हरक़त की जब हम उवाओ को अदा करते हैं वू, वू, तो होंठों को राउंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जुबान पीछे से भी उठ जाती है और एक गोलाई सी आ जाती है तो जब जुबान पीछे से उठती है तो ये किस चीज की इंडिकेशन है हर्फ को मोटा करने के लिए हर्फ को हैवी करने के लिए तो जब आप सू कहें और वहीं पे ही होंठों को गोल रखते रखते ही लाम को भी कहने की कोशिश करें तो लाम हैवी हो जाएगा जबकि लाम लाइट लेटर है तो अब उसको किस तरह से ठीक करना है सू पे आप अपनी जुबान को और अपने होंठों को तो गोल रखेंगे जुबान पीछे से उठी होगी सू के लिए ठीक है सीन एक लाइट लेटर है लेकिन दम्मा की वजह से वो पीछे से उसमें गुलाई आती है सू 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 अच्छा अब आपने सू कहा तो साथ ही जब लाम पर आए कनेक्ट करें तो लाम को लाइट कर दें होंठों को नॉर्मलाइज कर लें सुल, सुल अगर आप कहेंगे सू तो वो ऊ पे चला जाएगा सू सू वो फिर लाम हैवी हो जाएगा और आपकी यह गलती मानी जाएगी सू को कहते साथ ही लाम पर आते आपने अपने होंठों को नॉर्मलाइज कर लेना सुल और उसके बाद बोले आने वाला हर्फ अगर हैवी है तो पौन पौन आपने उसके उसके लिए अपनी जुबान को उसकी पोजीशन पे ले जाना और उसको हेविली अदा करना है तो ये लाम पर जब लाम साकिन हो तो इस इसके लिए आपने ख्याल करना है ली लू इसको ला ला इसको इमाला नहीं इसके अंदर ले किया जैसे जॉक अगर आप लॉक कर दें पूरी तरह फता के लिए मुंह को खोले नहीं तो वो ली आवाज आएगी ल तो वो नहीं करना जौ को थोड़ा सा खोलें फतहा के लिए मुंह को खोलें और लाम को पूरा फतहा दें ला ला ला, ला। आपका लाम ठीक हो जाएगा ला, लू ली एल 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 अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो हर्फ है वो है नून ये भी उसी जगह से याद आता है थोड़ा सा डिफरेंस है हमने दांतों का ख्याल करना है इसमें लाम के लिए बाहिक टू बाहिक ये दांत इन्वॉल्व थे अब उसमें से एक कम कर लें बाहिक के बाद क्या आ रहा है अन्याप अब एक अनियाप से दूसरे अनियाप तक ये जो आपको नेवी ब्लू कलर के दांत नजर आ रहे हैं ना ये वाले यहाँ से यहाँ तक पहले दाहिक था अब नून के लिए आपने आ... अनियाप टू अनियाप ये वाला हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होगा जुबान का भी <coughs> तो एन जब आप एन कहें तो आप देखेंगे कि आपकी जुबान का ये वाला हिस्सा जहाँ जो आपका यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लगे वो इंटरनल अप अपर इंटरनल गम्स को टच करता है लाम से थोड़ा सा नीचे और आपका नून अदा होगा एन 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 ये नून को जब अदा करेंगी अः सुकून के साथ तो क्या होगा कि आपकी आवाज नाक से आएगी ठीक है आवाज नाक से आएगी तो इसको हम कहते हैं जब भी भी आवाज नाक से आती है तो हम कहते हैं गना लेकिन गणा का जो लफ्ज है स्पेसिफिकली हम तब यूज करते हैं जब नून के ऊपर श्रद्धा हो और हम गुणा को थोड़ा प्रोलोंग करते हैं लम्बा करते हैं अन हम कहते हैं हमने गणा किया लेकिन नून की ये इनहेरेंट क्वालिटी है ये इसकी ये इसकी सिफत है कि नून को हम अदा नहीं कर सकते जब तक ये आवाज नाक से भी ना आए तो ये इस, ये जो इसका गोना है इसके अंदर नेजलाइजेशन है नेजल साउंड है ये इसकी जो है वो एक सिफत है तो नून के मखरज को जब हम देखते हैं ना तो हम दो चीज़ें देखते हैं एक तो नून का मखरज हमारे ये गमरेज पे है Uh, जो मैंने आपको बताया अनयाब टू अनेप जब जुबान टच करती है उस एरिया को तो वो तकरीबन गमरीज का एरिया ही बनता है और सिंपल uh, आप गमरीज कह लें अगर आप, आपकी जुबान uh, जो है वो मुंह में गमरेज को टच करती है तो ये फिफ्टी परसेंट मखरज है इसका और रेस्ट ऑफ द फिफ्टी परसेंट कम्स द नेजलाइजेशन फ्रॉम द नोज आवाज नाक से भी आती है सो फिफ्टी परसेंट जो नाक से आवाज आए और फिफ्टी परसेंट जो आपके गमरीज से आवाज आए दोनों को मिला के हंड्रेड परसेंट नून फिर आधा होगा क्योंकि खाली हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा नाक से भी आवाज आए और थोड़ा सा जो है वो गमरीज से मुंह से भी आवाज आए तो नून आधा होगा नहीं दोनों जो है वो एक ही वक्त में इंस्टेंटली जैसे ही आपने नून को टच किया आपने गमरीज पे तो साथ ही नाक भी हरकत में आता है और नाक से भी आवाज जारी होती है नून नून, नून, तब आपका जो है नून अदा होता है ये इसमें शॉर्ट साउंड रहती है मतलब इसके अंदर गुना क्वालिटी है लेकिन वो हम कहेंगे शॉर्टेस्ट है जब इसके ऊपर हरकत आती है ना, नी नू तो ये जो टाइमिंग है ना इस इस, इस शॉर्टेस्ट गुना की जो है बहुत ही कम है जैसे फथा खत्म होगा जैसे वन काउंट होगा फथा के लिए तो बहुत ही कम ड्यूरेशन है कि हम ना जैसे कहते हैं तो नाक से आवाज आई लेकिन ये एक तरह से फील नहीं होती नी नू न, नी नू इसको हम कहते हैं शोर्टेस्ट गुना बहुत ही कम नून के ऊपर सुकून लगा दे एन 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 ये वो शोर्टेस्ट था शोर्टेस्ट सबसे कम दर्जे का गुना उससे थोड़ा ऊपर ले आए नून के ऊपर सुकून होगा एन एन एंड तो आवाज़ अब थोड़ा जाहिर होती है कि गुना भी है इसके अंदर लेकिन हम कहेंगे कि ये वाला जो गुना क्वालिटी है ना इसको हम कहते हैं तवसुत क्या बनिया या तवसुत के नून के ऊपर जब हमने सुकून लगाया तो हमने क्या करना है अब नून को फ़ोन से छोड़ना नहीं है वरना वो बाउंस हो जाएगा आपको पता है तवस्ुत शिदा और रखावा के दरमिया सिफ है तो लिन उमर लाम नून मीम और आइन इनको हमने फ़ौरन से नहीं छोड़ना और बहुत प्रोलोंग भी नहीं करना बस इतना कि ये बाउंस ना हो और ऐसा ना लगे कि आपने कट शॉर्ट कर दिया इसको सो एन 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 अच्छा अब इसको हम लंबा करते हैं इस गुना को an, 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 an. अब हमने गुना किया और वो प्रॉपर गोना है और वो ज़ाहिर होता है और आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं जब ये जाहिर और प्रॉपर टाइमिंग के साथ शदा के साथ जब नून को अदा करें तो हम कहेंगे कि ये गुना का हरफ है ठीक है इसको गुनान लेटर्स कहते हैं नून मुश्दा को और मीम मुशा को दोनों की सेम सिफात हैं। और उसके साथ हम रॉ को भी डिस्कस कर लेते हैं ये तीनों हरुफ लाम नून और रॉ जो है ये एक ही जगह से अदा होते हैं सिर्फ दांतों में कमी आती जाती है कि जिन हिस्सों जिन दांतों के जिन हिस्सों को ये जुबान टच करती है ना उसमें से एक एक को आप कम करते जाएं लाम के लिए दाहिक टू दाहिक था और नून के लिए अन्यायाप टू था अब और के लिए ये रुबाई टू रुबाई आ जाए आप रुबाई टू रुबाई अब जुबान का वो वाला हिस्सा जो यहाँ पे टच करे ये भी देखें है का ही एरिया तो आपका रॉ आधा होगा और अच्छा रा क्या वो ऐसा हर्फ है का, जो हैवी भी है समटाइम्स और लाइट भी है ठीक है समटाइम्स हैवी और समटाइम्स लाइट है लेकिन एज ए नेम रॉ हैवी लेटर है एज ए नेम हम इसको हैवीली कहते हैं तभी आप ये देखेंगे कि आपकी जुबान कर्व खा रही है और पीछे से उठी हुई है रॉ 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 ठीक है सो रॉ के ऊपर जब फतहा होगा या दमा होगा तो रॉ हैवी होगा रॉ के नीचे अगर कसरा होगा तो री होगा हम उसको हैवीली नहीं कर सकते वरना वो बहुत ही फेक लगता है अच्छा इसके ऊपर अगर हम सुकून लगा दें तो फिर रॉक की रूलिंग वही होगी जो उससे पहले वाले पहले वाले पहले आने वाले हार्फ के ऊपर कोई हरकत होगी अगर इससे पहले वाले हार्फ़ के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो आप और पीछे चले जाएं और देखें कौन सा ऐसा हार्फ़ है जिसके ऊपर हरकत है वही हरकत का इम्पैक्ट इस रॉ साकिना के ऊपर भी आएगा अगर उसके ऊपर फता दम्मा है तो रॉ हैवी हो जाएगा अगर उसके नीचे कसरा है तो रॉ लाइक हो जाएगा साथ बताती चलूं कि रॉ के बहुत सारे रूल हैं रॉ को हैवी या लाइट करने के लिए एक अलहदा से टॉपिक है अभी फिलहाल मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रही सिर्फ मैं मैं उसको टच कर रही हूँ ताकि ता आपको आइडिया हो जाए कि बाकायदा रॉ के ऊपर और रॉ साकिना के ऊपर बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं वो आप अलहदा से पढ़ेंगे इनशाला तो रॉ जो है वो समटाइम्स समटाइम्स लाइट लाइटर है तो आपने इस चीज का ख्याल करना है जुबान फ्लैट हो जाएगी जब रॉ के नीचे आएगा और रॉ जब हैवी होगा तो जुबान पीछे से उठेगी कर्व खाएगी और आपने ये वाला एरिया टच करना है अच्छा रॉ के मखरज के लिए जुबान की जो ये नोक है ना ये टच नहीं करती क्योंकि हम आर्च को टच कर रहे हैं ना हमारे गमरीज का जो आर्च है हम उसको टच कर रहे होते हैं और सेंटर में ये टाइनी सा गैप रहता है जो जुबान की जो साइड्स है ना ये वाली ये तो टच कर रही है ये देखें ये था ना आ, रुबाई ये ये वाले दांत रुबाई के हैं ये स्नाया उलिया है ये रुबाई है तो यहाँ पे आपकी जुबान टच कर रही है लेकिन यहाँ टाइनी सा गैप है यही से ही आवाज आती है ठीक है लाम में क्या था साइड से आवाज आ रही थी ये साइडों से लेकिन रॉ में यहाँ से आवाज आ रही है तो इसको भी हम इनहराफ ही कहेंगे क्योंकि जो उसका नॉर्मल ओपनिंग uh, पैसेज है वो तकरीबन बंद है लेकिन ये टाइनी सा गैप है यहाँ से ही स्नीक आउट होती है आवाज़ और चूंकि ये टाइनी गैप है और आवाज़ पूरे जोश से अंदर से बाहर की जानी पाती है तो यहाँ फिर फिर तकरीर पैदा होती है मतलब यहाँ वाइब्रेशन सी पैदा होती है आर 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 यहाँ एक वाइब्रेशन पैदा होती है कप कप पैदा होती है और फिर आवाज़ बाहर आती है सो अगर हमने और को हैवी किया तो आर 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 रा री, रा री री रू रू आर, आरओ आरो आर। तकरीर इसकी नेचुरल क्वालिटी है एक सिफ्त है जो कि इसका मखरज कुछ इस तरह से है लेकिन अगर आपने मखरज को राइट right टच नहीं किया बिना किसी गैप के पूरा हार्डली गमरीज को टच किया उसको कवर कर दिया तो क्या होगा तकरार में रेपिटेशन आएगी जैसे हम कहते हैं रर ये वाली रर ये तो इतनी रेपिटेशन नहीं लेके आनी एक दो बार इसमें वाइब्रेशन होगी तकरीर आएगी जो कि नेचुरल है जो कि होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए सो तो आर आर ओ आर